पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विंध्यानगर थाना के जैन पुलिस चौकी की बड़ी कार्रवाई प्रकाश में आई है। जैन चौकी पुलिस ने 28 पेटी शराब और एक बुलेरो वाहन सहित एक आरोपी को पकड़ा एवं एक आरोपी मौके से फरार। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप सिंडे के मार्गदर्शन में विंध्यानगर थाना प्रभारी श्री संतोष तिवारी एम जैन चौकी प्रभारी श्री रामायण प्रसाद मिश्रा के कुशल नेतृत्व में उनकी टीम को बड़ी सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुलेरो को जांच के लिए रोका, तब तक एक व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भाग खड़ा हुआ। वहीं बुलेरो की तलाशी के दौरान पुलिस को 28 पेटी अवैध शराब मिली। कीमत लगभग 1,41,600 रुपए बताई जा रही है, जिसके कागजात पुलिस द्वारा मांगे जाने पर गाड़ी चालक के द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। बुलेरो चालक अश्विन तिवारी पिता इंद्रदेव तिवारी 28 वर्ष को मौके से पकड़ लिया गया। संबंधित बुलेरो वाहन को भी पकड़ा गया, वहीं एक मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उक्त कार्रवाई विंध्यानगर थाना प्रभारी श्री संतोष तिवारी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी श्री आरपी मिश्रा सहित प्रधान आरक्षक जीवेंद्र मिश्रा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ सर, जानकारी मिली है कि अंग्रेजी अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, इसका पूरा मामला क्या है सर? हमारे जिले में नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रियाज इकबाल जब से आए हैं, वो अवैध नशाखोरों और नशा के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उसके तहत हम लोगों ने अपने क्षेत्र में समस्त जहाँ भी नशे का कारोबार ऐसा होता है, उसके लिए अंकुश लगाने के लिए टीम लगाई हुई है। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया हुआ है। उसी के दौरान आज सुबह ये पता चला कि एक बुलेरो गाड़ी में अवैध शराब लोड होकर यूपी की तरफ बॉर्डर पर शक्तिनगर की तरफ जा रही है। उसकी सूचना पर हम लोगों ने जो है वो दुद्दीचुआ सेक्टर ए के बॉर्डर पर वहाँ पर दबिश दिया। एक बुलेरो वाहन आई, बोले उसको रोका गया, रोका उस पर से जो है जब तलाशी ली गई तो उसमें 28 पेटी अवैध शराब जो जिसमें अंग्रेजी शराब और कुछ देसी शराब थी वो जब